सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबी वसल्लम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर स्टॉल्स व्लॉग। आपके लिए मैं आज लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग जो शुरू से लेकर एंड तक आपको एंटरटेनमेंट करने वाला है और आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे जनाब एक लेडी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है और यहाँ पे देखिए कि इन्होंने फूड एंड हाइजीनिक का भी रेटिंग लगाई हुई है। इनके पास ये सर्टिफिकेट मौजूद है और ये सील कर रही हैं यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त से। मार्शमेलो इन्होंने स्टिक में लगाई हुई है, इसके बाद फिर इसको चॉकलेट में डिप करती हैं और स्प्रिंकल करती हैं, जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऐसे ही इन्होंने कप्स में भी लगा के रखे हुए हैं, बना कर रखे हुए हैं चॉकलेट्स के छोटे छोटे से, जो है ना वो केक्स जैसे हैं। और कुछ इन्होंने ज्वेलरी, रिंग्स, ब्रेसलेट्स और बच्चों की जो अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं, जैसे इनकी हैंड वॉच हैं, ब्रेसलेट्स हैं और ये स्पीचेस जैसे हैं, कुछ इनके हैंड बैग्स, पर्स, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त सा इन्होंने एक छोटा सा सेटअप बना लिया था यहाँ पर। और सभी चीज़ें जो है ना इनके पास बच्चों के से ही रिलेटेड थी, बच्चों को पसंद आने वाली चीज़ें थी। इन्हीं की ज्वेलरी, इनके बैग्स जो इनको अट्रैक्ट करते हैं। और ये देखो एक प्यारी सी बच्ची है हमारे पास आई, इन्होंने कहा कि भाई मैं ये केक हमने बनाए हैं, सेल कर रहे हैं, तो आप ये हमसे बाय कर लें। और यहाँ पे आए हैं तो हम ये दूसरे स्टोर पे देखें कि एक लेडी है ना छोटे छोटे से बहुत ही क्यूट से जो है ना पैन केक्स बना रही हैं। और ये देखिए इनके पास ये आइडिया कितना ज़बरदस्त है, ये भी एक घर से ही करने वाला आइडिया है। आप बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लाइक कोई भी ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक छोटी सी इन्होंने मशीन रखी है, बस बैटर आप घर से ही बना के ले आते हैं, जो बहुत ही लो कॉस्ट है, इसमें इतना ख़र्चा नहीं आता है। साथ ही इन्होंने चॉकलेट्स रखी है, कुछ स्प्रिंकल्स रखे हुए हैं, जैसे ही पैन केक रेडी होते हैं वो चॉकलेट इसके ऊपर लगा देती हैं और साथ ही स्प्रिंकल कर लेती हैं। तो एक और जो है स्टॉल पे है यहाँ पे, देखें माशाल्लाह से ये सिस्टर हैं, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी रखी हुई है सेवरीज की, जिसमें स्प्रिंग रोल्स हैं, समोसास हैं, मून पाई हैं, चिकन ब्रेड रोल है और ये जैम बिस्किट्स भी इन्होंने बनाए हुए थे और मैंने इनका ट्राई किया था, बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज इनका बनाया हुआ था। और यहाँ से इनको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली थी, जितने भी यहाँ पे लेडीज़ कस्टमर्स आ रही थी वो इनसे इनका नंबर भी ले रही थी, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक आने वाला है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे यूके में क्या है कि एक ट्रेडिशनल है कि आप हर घर में जो है ना ये घर में ही ये छोटे छोटे से ये वाले समोसे, पेस्ट्री, स्प्रिंग रोल्स और जैसे आके आप देख रहे हैं ये सब ऐसी चीज़ें जो है ना घरों में बनाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो इंडिया पाकिस्तान वाला माहौल नहीं है कि अफ्तारी के टाइम पे आप बाहर जाएं, आपको दही भले भी मिल जाते हैं, आपको बाहर गर्मा गर्म समोसे भी आप वहाँ पे ले आते हैं, हालांकि वहाँ पे भी बहुत क्यू होती है, लेकिन यहाँ का माहौल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लेडीज़ घरों में ही ले कर फ्रीज कर लेती हैं और या फिर ऑर्डर्स पे बनवा लेती हैं। तो ये वाली जो है हमारी एक और प्यारी सी सिस्टर, इन्होंने छोटे छोटे से प्यारे से जो है ना केक बाइट्स रखी हुई थी, पिज़्ज़ा बाइट्स रखी हुई हैं, कुकीज़ इन्होंने बनाई हुई हैं, ये सब इन्होंने हैंडमेड है, अपने घर में ही बनाई हुई है और इन्होंने अपने बिज़नेस का नाम हैप्पी बाइट रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक और स्टॉल्स का मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें सिर्फ इन्होंने स्वीट्स रखी हुई हैं, इन्होंने घर में कुछ भी नहीं बनाया, कुछ मेहनत नहीं इनको करनी पड़ी, जस्ट इन्होंने बाहर से स्वीट्स ले ली हैं, यहाँ पे आके आप ये केजी या ग्राम्स के हिसाब से जो है ना सेल करती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें ये वाला जो स्टॉल है, या यहाँ पे इन्होंने ये हैंडमेड कार्ड है, ये देखें इन्होंने लिखा हुआ है ये निकाह मुबारक का इन्होंने कार्ड बनाया हुआ है और ये लेडी कहती हैं कि घर में ही बनाती हैं, ऑर्डर पे भी बनाती हैं और ये ऑनलाइन सेल करती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास मेरी सिस्टर से इतने प्यारे प्यारे आइडियाज़ हैं, इतने ज़्यादा टैलेंट्स हैं अगर आप लोगों के पास, तो आप लोग भी ऐसे ही टैलेंट को अपना इस्तेमाल करते हुए अपने घर से ही जो है ना ये बिज़नेस आइडियाज़ घर से ही स्टार्ट कर सकती हैं। आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही लो कॉस्ट है, यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप ये कहाँ से ले, तो अमेज़ोन, ईबे, ऑनलाइन हर जगह पे जो है ना आपको ये कार्ड्स और हर चीज़ मिल जाएंगी, डेकोरेटिंग वाली जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं, बहुत ही ऑफर में भी लगी होती हैं सम टाइम। तो ये देखें इन्होंने रमज़ान मुबारक के कार्ड्स खुद बनाए हुए हैं और सेल करती हैं। और ये इन्होंने ये चेयर हैं, हालांकि ऑनलाइन से ही आइडियाज़ इन्होंने भी लिए हुए हैं, ये पिंस लगाने वाले हैं
कैलेंडर्स हैं, इन्होंने खुद से बनाए हुए हैं घर में। और ये देखें छोटे छोटे से पिलोज़ इन्होंने बनाए हुए हैं, जो हम नीडल्स रखते हैं ना, नीडल्स रखने के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं, जो स्काफ की नीडल्स हैं। ये छोटे से फ्लावर्स वाला है, स्पॉन्जी स्पॉन्जी है ये, इसमें भी इन्होंने ना कॉटन फिल किया हुआ है, और इन्होंने कहा कि मैंने खुद ही घर में बनाया है। तो ये लिपस्टिक वाला है, देखें जैसे हमारी लेडीज़ हैं वो ड्रेसिंग टेबल पे लिपस्टिक रखती हैं, तो इसके अंदर इन्होंने स्पॉन्ज रखा हुआ है, और ये स्काफ वाली पिंस जो हैं वो इसमें लगाते हैं ताकि सेफ्टी भी रहे और गुम भी ना हो। बहुत ही ज़बरदस्त समाचार इन्होंने खुद से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, और ऑनलाइन सेल बहुत अच्छी सी करती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इन्होंने माशाल्लाह से इस लगाए हुए हैं हबाया, स्पेशल ऑफ़र में है 10 पाउंड, विच इज़ वेरी रीज़नेबल, बहुत महंगा भी नहीं है। ये 2 पीस है यहाँ पे इन्होंने जो है ना लगाया हुआ है टॉप एंड ट्राउस, और बहुत ही रीज़नेबल था, लाइक 10 पाउंड में आजकल कहाँ पे आती हैं ऐसे वेलवेट की ड्रेसेस ना। आजकल तो सिलाई ही आप देखें तो सिर्फ 15 पाउंड, यहाँ पे यूके में 20 पाउंड 25 पाउंड तो खाली स्विंग ही ले लेते हैं, और मटेरियल कॉस्ट तो सेपरेट होती है। तो देख लें कि कितना अच्छा यहाँ पे जो है ना अंडर वन रूफ आपको हर चीज़ जो है ना मिल जाती है, और ये लेडीज़ ओनली का होता है यहाँ पे। आप आएँ पर्दे वाली और लेडीज़ जो हैं अपने वो भी कर सकती हैं, ये ऑनलाइन में ख़ास से मंगवाती हैं और फिर सेल कर लेती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा है, इसमें अच्छा बिजनेस है, जो हमारी बहनें घरों से बैठ कर करना चाहती हैं वो अपने घरों में इस तरह से रील्स, एक रील ले लें, कुछ ऑर्डर्स कर लें, कोई कपड़े इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, दुबई, जहाँ से भी आप लोगों की अप्रोच है, जहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं आप मंगवा लें, वहाँ से पार्सल्स मंगवा लें, खुद जाकर ले आएँ, और आप इसे या फिर ऑनलाइन भी आप लोग मंगवा सकते हैं। ये देखिए ये 6 पाउंड की थी, बहुत ही ज़बरदस्त था और वॉर्म जो है ना कार्डिगन थी यहाँ पे, और मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी, और मैं भी सोच रही थी कि कितनी अच्छी है और वेरी गुड प्राइस में जो है ना यहाँ पे हैं। घरों में आपका कैजुअल यूज़ करने के लिए कोई जो है ना इतना वो नहीं था, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अगर वो लोग ये प्राइस में सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब है उनको भी इससे भी थोड़ा चीप मिलता होगा, रीज़नेबल प्राइस में मिलता होगा, इसीलिए वो इतनी अच्छी प्राइस में सेल कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स हैप्पी रहें, कस्टमर्स को भी अच्छी जो है ना वो भी मिल सके, उनको भी ना अच्छी प्राइस में वो भी ख़रीद सके। तो इनका मटेरियल्स बहुत ज़बरदस्त था, रेशमी टाइप का था, लाइक सिल्क की और वेलवेट, और ये देखिए जर्सी टाइप का भी है इनके पास, हर तरह के डिज़ाइन हैं, जितनी भी वैरायटी आप रख सकती हैं आप रखें। आजकल तो इंस्टाग्राम पर भी आप बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सेल होती हैं, फेसबुक का पेज बना लें, वहाँ पर आप अपने जो है ना कपड़े ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। हर कोई माशाल्लाह जो है ना वो, जैसे अभी फेस्टिवल्स के टाइम आ रहा है, ईद का टाइम सीज़न आ रहा है, तो वहाँ पे भी जो है ना आपसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं लेडीज़। और काफ़ी बहुत बड़ा हॉल था यहाँ पे, बच्चों के भी खेलने की इन्होंने चीज़ें रखी हुई थी, और यहाँ पे देखें एक स्टॉल पे इन्होंने ये ड्रेसेस भी रखी हुई हैं, ज्वेलरी भी रखी हुई है यहाँ पर इन्होंने, और साथ साथ और इनकी ज्वेलरी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। कुछ ज्वेलरी तो ऐसी थी जैसे इनके कुछ ब्रेसलेट्स थे, बहुत ही ज़बरदस्त से इनके डिज़ाइंस थी, कलेक्शंस थी, कुछ तो ऐसा डिज़ाइंस लग रहे थे जैसे बिल्कुल गोल्ड का डिज़ाइन होता है ना, गोल्ड जैसे इनके डिज़ाइन थे, और अगर आप पहना हो तो लगता नहीं है कि आर्टिफिशियल है या तो फिर गोल्ड के डिज़ाइन हैं। तो यहाँ पे ये वाले ब्रेसलेट्स हैं, थोड़ी सी रिंग्स हैं इनके पास, बहुत ही अच्छा सा। ये भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ख़राबी नहीं होती हैं, आप एवरी टाइम आप इनको रख सकते हैं, और लॉन्ग टाइम के लिए भी, लॉन्ग लाइफ होती हैं ये, और आपकी ऑनलाइन सेल बहुत होती है। और ज्वेलरी तो हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, हर कोई पहनना बहुत पसंद करता है। तो इन्होंने साथ में परफ्यूम्स रखी हुई थी, कुछ गिफ्ट कार्ड्स रखे हुए थे, गिफ्ट्स के कप्स रखे हुए थे गिफ्ट्स वगैरह करने के लिए। तो इन सब की कोई शॉप्स नहीं है, कोई प्रॉपर बिजनेस नहीं है, बस ऐसे जैसे कहीं कहीं स्टॉल्स लगते हैं तो ये ले आते हैं, और थोड़ी बहुत जैसे भी इनकी सेल होती है ये ऐसा कर लेते हैं। तो अब ये हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इनका जो हवाया था ना मुझे बहुत ही पसंद आ रहे थे, इन्होंने 25% ऑफ पे भी लगाए हुए थे, और ये हवाया देखिए कितना लग्जरी लग रहा है, इतना ब्यूटीफुल हवाया था, प्योर वेलवेट के ऊपर था, और इसके वजह सीक्वेंस का काम हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त था। ऐसा नहीं है कि बस आप हाथ लगाएं तो इसके सीक्वेंस उतर जाए, बहुत अच्छी तरह से जो है इसके अच्छे वाले सीक्वेंस लगे हुए थे। और ये देखिए इन्होंने डिस्प्ले में ये लगाया हुआ था हवाया सेल के लिए। तो
इनका ये देखें जो साइड वाले हैं, कितना साइड वाले की तरफ से बहुत ही खूबसूरत जो है ना इसका ये लग रहा था, और ये इनका भी जो रीज़नेबल प्राइस ही थी। और यहाँ पे देखें ये स्टॉल पे इन्होंने लगाई हुई हैं, परफ्यूम्स हैं, इतर हैं, एयर फ्रेशनर्स हैं, लाइक इतने ज़्यादा ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं कि हम गिनना चाहें तो भी कम है कि लेडीज़ हमारी प्यारी बहनें यूके में रहते हुए जो है ना बहुत ज़्यादा अपना घरों से ऐसे काम कर सकती हैं, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हो गई है, यकीन माने कि हर कोई कहता है कि यूके में रहना मुश्किल हो गया, यूके में रहना मुश्किल हो गया। तो लेकिन यूके में रहकर आप कहीं ना कहीं कमा भी सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं, आप खुद से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे गिफ्ट आइडियाज़ बहुत ज़्यादा चलते हैं। अभी ये वाली एक सिस्टर है, ये हैंड से देखें ये लिखती हैं, जैसे ये वाला बेबी का ड्रेस है, जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके ऊपर उनका नाम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फैशन में है, ट्रेंड में है, लोग गिफ्ट देते हैं अपनी फैमिलीज़ को, जो बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके नाम के टॉयज होते हैं, उनके नाम के कपड़े भी होते हैं, उन पर लिखा हुआ होता है। तो ये मशीन भी वो लोग लेकर अपने घरों में लगा लेती हैं और घरों से जो है ना इस तरह से प्रिंट आउट करके सेल करती हैं। तो ये स्टॉल है, ये देखें इन्होंने अपने हाथ से ये लिखे हुए हैं, तख्तियाँ बनाई हुई हैं, कितना ही माशाल्लाह खूबसूरत सा है। तो ये भी माशाल्लाह ये भी मेहनत करती हैं अपने घर में बैठ के, अपने इस टैलेंट को जो है ना वो उभार रही हैं, लेकर आती हैं दुनिया के सामने और इस्तेमाल कर रही हैं। लोगों ने बहुत माशाल्लाह ये पसंद किया थे इनकी लिखावट को भी, और इनके जो इन्होंने बनाए हुए हैं फ्रेम्स बनाए हुए हैं बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त थे इनके। और यहाँ पे देखें एक जो सिस्टर है वो ये इसमें एक बीट्स होते हैं जो चिल्ड्रंस के लिए ना गिफ्ट्स होते हैं, कि वो अपने फारिग टाइम में बैठकर इसके ब्रेसलेट्स बना लेते हैं, नेकलेस बना लेते हैं, इस तरह से चिल्ड्रंस की एक्टिविटी भी हो जाती है। और ये भी बनाकर सेल करती थी, ये वाले हैं इनके पास स्कार्फ्स हैं, इन्होंने ये स्कार्फ सेल कर रही थी, और इतनी माशाल्लाह इन्होंने खूबसूरत सा जो है ना गिफ्ट हैम्पर से बनाए हुए थे स्कार्फ्स के। तो मैं इनके स्टॉल पे गई तो मुझे ये आइडियाज़ इनके बहुत पसंद आए, मैं इनका मैं ज़रूर अपने व्यूवर्स के साथ अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये देखें जो फ्रेंड्स जो सिस्टर्स हैं ना वो कहती हैं अब हम मतलब अगर हम स्कार्फ सेल करें तो कौन लेगा लाइक स्कार्फ, लेकिन आपको सेल करने का एक तरीका भी आना चाहिए ना। ये देखें इनके पास क्या ज़बरदस्त आइडिया है, इन्होंने एक बॉक्स लिया है, बॉक्स के अंदर स्कार्फ रखा है और ये पिंस भी रखी हैं जो स्कार्फ्स को जो है ना ये मैग्नेट वाली होती हैं ताकि आपका स्कार्फ मूव ना हो सके। तो इसमें इन्होंने कलर्स भी लिए हैं और ऐसा एक बॉक्स सा इन्होंने बना लिया है कि आप गिफ्ट भी कर सकती हैं अपनी फ्रेंड्स को, सिस्टर्स को, अपनी भाभियों को, या किसी को भी जो है ना आप ये शादी पे भी, बर्थडे पे आप ये गिफ्ट बनाकर लेके जा सकती हैं। इन्होंने देखिए क्रंचीज भी रखी हुई हैं, बबल्स हैं, हेयर बबल्स भी रखे हुए हैं, साथ में एक इन्होंने फ्लावर रख लिया है इसमें डाल दिया है, और लाइक एक परफेक्ट आप कहते हैं ना एक परफेक्ट जो है ना वो गिफ्ट बॉक्स इन्होंने रेडी कर लिया है। तो आप भी अपने इस टैलेंट को ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से जो है ना आप भी एक गिफ्ट बॉक्स बनाकर सेल कर सकते हैं। इसमें और भी आइडियाज़ हैं कि आप चाय नमाज तस्बीह भी आप रख सकती हैं और हवाया भी रख सकती हैं। तो ये देखिए ये बता रही थी मुझे कि इस बॉक्स में इन्होंने ये क्या क्या चीज़ें जो है ना इतना खूबसूरत से इन्होंने रखी हुई हैं। तो मैं इनसे कहती थी कि आपने बहुत ही माशाल्लाह प्यार से रखा हुआ, बहुत ही जो है ना टैलेंटेड हैं आप, बहुत ही अच्छे से आपने ये डेकोरेट किया है गिफ्ट के, देखते ही जो है ना पसंद आ जाए हर किसी को और रिजनेबल प्राइस में भी है। तो यहाँ पे ये देखिए ना इन्होंने अपना इंस्टाग्राम भी रखा हुआ है, ऑनलाइन ही सेल करती हैं,